नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जैसे कि आशंका जताई जा रही थी कि ईरान अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेलेगा, हुआ भी कुछ ऐसा ही। कल करीब 7:30 बजे, अगर भारतीय समय अनुसार बात की जाए तो 10 बजे के आसपास, ईरान ने जबरदस्त कह सकते हैं मिसाइल दागे इसराइल पर। हालांकि कितना नुकसान इसराइल को हुआ है, कितनी मिसाइल्स अंदर तक पहुंची है, ये तो अभी आंकलन नहीं हो पाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान वर्सेस इसराइल ये युद्ध हो गया है, यानी अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है और इसे एक बड़े वॉर के रूप में देखा जा रहा है। खास तौर पर अगर ईरान की बात की जाए तो उसने साफ तौर से ऐलान कर दिया है, ये तो पहली खेप है, आगे देखिए क्या होता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, सबसे बड़ी बात है, ये पहली खेप थी, ईरान ने ये दावा किया है, अभी तो देखिए हमें तो बदला लेना है, चाहे वो हनिया का बदला हो या फिर नसरुल्ला का बदला हो, हम बदला लेंगे। और उसी की तर्ज पर एक बड़ा हमला कल हमने देखा इसराइल। देखिए, ईरान की तरफ से ये जो हमला हुआ है, इसने इस पूरे वॉर का स्वरूप बदल के रख दिया है अब। और हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, जो सब लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर इस हमले से इसराइल में कितना नुकसान हुआ है। इसको लेके देखिए अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ईरान की तरफ से, IRGC जो सेना है ईरान की, उसकी तरफ से जो है क्या दावा किया गया है। ईरान का कहना ऐसा है कि करीब 180 से 200 मिसाइल्स जो थी, इनसे हमला किया गया था कल इसराइल के ऊपर। इसमें से 90% मिसाइल्स, ये ईरान दावा कर रहा है कि 90% मिसाइल्स जो हैं वो सही टारगेट पे, सही ठिकानों पर गिरी हैं। और ईरान का दावा है कि उसने इसराइल के करीब 20 F-35 प्लेन्स को तबाह कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसी से हमले लगातार इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो हमास हो, हुती हो, हिजबुल्ला हो, और अब उसी का एक बड़ा। देखिए, इसराइल इन जो दावे ईरान के हैं, इसराइल इसका खंडन कर रहा है, अमेरिका इसका खंडन कर रहा है, लेकिन जो ईरान के दावे हैं उसको भी सामने रखना ज़रूरी है। ईरान का कहना ऐसा है कि करीब 20 F-35 प्लेन तबाह हुए हैं और साथ में मोसाद का हेडक्वार्टर भी निशाने पर था, उस पर भी मिसाइल गिरी है और मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है, ये कहना है ईरान का। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जो ये मिसाइल्स गिरे, ये मिसाइल्स एक नेवाटिम एयरबेस है इसराइल का। बताया जाता है कि ये इस नेवाटिम एयरबेस से ही जो F-35 प्लेन्स फ्लाई करके जो लेबनन में अटैक होते थे या जो गाज़ा में अटैक हुए, ये प्लेन्स इसी नेवाटिम एयरबेस से ही फ्लाई कर रहे थे। जो हमले नसरल्ला के ऊपर किए गए और जिसमें नसरल्ला की मौत हुई, उस मिशन को शुरुआत इसी एयरबेस से किया गया था, इसीलिए ईरान ने इस नेवाटिम एयरबेस को टारगेट किया है। और ऐसा बताया जाता है, जो ईरान का कहना है कि ये हमला बिल्कुल सफल रहा है, मिसाइल एयरबेस पे गिरी और करीब 20 F-35 प्लेन्स तबाह हो गए हैं, ये ईरान का दावा है। ठीक है, ये ईरान का दावा है मयंक, लेकिन सबसे बड़ी बात है ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसने 400 मिसाइल्स दागे, जिसमें से बताया जा रहा है कि करीब 180 आयरन डोम से भी टकराए, जिसमें आप कह रहे हैं कि बहुत सारे अंदर भी आ गए, कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया, और उसने इसराइल के अंदर जाकर बहुत बड़ी तबाही की है। और उसके बाद अब ईरान कह रहा है कि हमने तबाही कही है, भले इसराइल इसे माने या फिर ना माने, अभी तो ये शुरुआत है। दूसरी खेप अब ड्रोन की बात हो रही है, उस ड्रोन की जिसको कि रूस को भी ईरान ने दिया था, और अब कह रहे हैं कि रूस से एक बड़ा हमला हो सकता है। तो ईरान की अगली स्ट्रेटेजी, जो जानकार है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है, वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि एक बड़ा हमला ड्रोन से हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कल मिसाइल्स फायर की गई, मैं आपको बताता हूँ, ये ईरान की ऐसा सोशल मीडिया पे चर्चा है और जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो मिसाइल है ये फतह 1 मिसाइल है ईरान की, जिसको फायर किया गया। हमने देखे कि हमने अपने वीडियो में भी इसका जिक्र किया था नीलू कुछ वक्त पहले, जो है ईरान ने इस मिसाइल को, ये ईरान की ईरान ने ही इस मिसाइल को तैयार किया है। और देखिए कि करीब ईरान से इसराइल को ट्रैवल करने में करीब 1800 से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये मिसाइल ने ट्रैवल किया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि आवाज़ से 15 गुना ज़्यादा स्पीड से फ्लाई कर सकती है और अपने साथ बड़ी मात्रा में जो है वो वॉरहेड्स भी लेके जा सकती है। तो ये देखिए बेहद खतरनाक मिसाइल है। और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में, जो आप कहना चाह रही हैं, इतनी सारी मिसाइल्स एक साथ फायर होती हैं, जो करीब 2000 किलोमीटर को ट्रैवल करती हैं, इसराइल के अंदर आती हैं। आप देखिए कि रेड सी में हो या भूमध्य सागर में हो, बड़े सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हुए हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने लगाए हुए हैं। तो अब इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि ईरान की तरफ से
और ज़्यादा मिसाइल्स फायर की गई थी, और ये भी संभव है कि हो सकता है अमेरिका की तरफ से कुछ मिसाइल्स को जो है वो एंटी मिसाइल सिस्टम ने उसको हवा में तबाह भी किया हो। लेकिन इन सब के बावजूद जो तस्वीरें इसराइल से आई हैं, अभी देखिए हम अगर हम ईरान के दावे को अलग भी रखें और ये कहें कि ये पता पूरी तरह से सही नहीं है, अगर ये भी मान लें तो भी उसके बावजूद ये तस्वीरें जो इसराइल से आई हैं, आप देखिए वहाँ पे तस्वीरें आई हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिनके कांच टूटे हुए हैं, एक स्कूल के ऊपर जो कल तस्वीरें आई उसमें हमने देखा आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है, या उसके बाद किस तरह से लोग भागते सड़कों पर नजर आए, लोग बंकर्स में छिप गए, हालांकि अलर्ट पहले से था, अमेरिका ने पहले से अलर्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर इस वक्त पैनिक का माहौल है, लोग कई जगहों से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लोगों को कह दिया गया है कि आप बॉम्ब शेल्टर में तुरंत भाग कर जाए, जैसे ही पूरी आप एकदम ठीक कह रहे हो, पूरी रात जो है इसराइल के उत्तरी इसराइल और मध्य इसराइल का जो हिस्सा है वहाँ पे जो लोग हैं सिटीजन हैं उनकी पूरी रात जो है बंकर्स में बीती है, और काफ़ी सारी मिसाइल जो तस्वीरें आई जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि रेस्टोरेंट्स में जो है वो तबाही हुई है, एक बताया जाता है कि स्कूल के पास एक मिसाइल गिरी, ये तस्वीरें आ रही हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो इसराइल दावा कर रहा है वो कि सबको आयरन डोम ने रोक लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो कि इसराइल के ऊपर गिरी भी हैं। अब इसमें से कितनी तबाही हुई है ये शायद हमको आने वाले एक दो दिन में साफ साफ पता चलेगा कि कितनी तबाही हुई, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि अब जो है ये आयरन डोम सिस्टम, देखिए एक साथ जब 180 या 200 मिसाइल्स फायर होती हैं, कल देखिए जो तस्वीरें आ रही थी आप इसराइल के आसमान की तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा था कि एक पूरा गुच्छा जो है वो चला आ रहा है मिसाइल्स का, जो वहाँ पर एक अलार्मिंग सिस्टम लोगों के मोबाइल पर दिया गया था जब उसे देखा गया तो वो पूरा जो इसराइल का पूरा वो इलाका था वो पूरी तरह से रेड हो रखा था, रेड हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ कई मिसाइल्स वहाँ पर गिर रहे थे तो वो पूरा इलाका। तो मयंक सवाल यही है कि ये देखिए ये तो शुरुआत है, हालांकि इसराइल ने कहा है कि अब इसका हमने प्लान पहले से तैयार कर रखा था, हमें पता था कि अब ईरान खुलकर खेलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमास खत्म हुआ, हिजबुल्ला खत्म हुआ, उसके बाद नसरुल्ला मारा गया, अब ईरान के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, यानी इसराइल भी अब पूरी तरह से तैयार है कि इसका जवाब दिया जाए, और ईरान भी पूरी तरह से तैयार है क्योंकि बहुत दिनों से जिस तरह से हनिया की मौत हुई इसके बाद से चुप्पी साधे बैठा था, तो क्या वो तैयारी का वक्त ले रहा था कि जब तैयारी मतलब वो कर ले उसके बाद अगर कोई बड़ा हमला वो करता है तो पूरी तैयारी के साथ? देखिए ये जो आप बात कह रही हैं इसमें जो मुझे जो लगता है, मेरा जो ओपिनियन है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए पहले हनिया को असासिनेट किया गया, उसके बाद नसरल्ला की मौत होती है, उसके बाद IDF जो है वो लेबनान के अंदर तक घुस जाती है, ये एक ऐसा माहौल बन गया था पिछले कुछ दिनों से कि बस इस युद्ध में मानो इसराइल ही इसराइल है, इसराइल को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, और ईरान के ऊपर दबाव था, पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से भी ये मांग उठ रही थी कि भाई जवाब देना चाहिए, हिजबुल्ला लगातार अपील कर रहा था, और नसरल्ला की मौत के बाद बहुत बड़े लोगों में गुस्सा भी था, तो ईरान को जवाब देना एक मजबूरी हो गया था, ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था और ऐसा लग रहा था मान लो कि एक जो साइकोलॉजिकल वॉर होता है उसमें इसराइल को अपर हैंड मिल रहा है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए शायद देखिए कल ऐसा बताया जाता है कि इस हमले के कुछ वक्त पहले ईरान की तरफ से ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि रूस को ये जानकारी दे दी गई थी कि हम हमला करने जा रहे हैं, रूस के विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री जो हैं वो ईरान गए थे हाल ही में, तो देखिए ऐसा बताया जाता है कि हमले के कुछ समय पहले ईरान ने रूस को ये जानकारी दे दी थी कि हम ये जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करने जा रहे हैं, और ये भी जानकारी सामने आई है कि अमेरिका, जैसा आप बता रही हैं कि अमेरिका को भी इस बात की जानकारी हो गई थी खुफिया CIA के जरिए कि आज की रात ईरान जो है वो बड़ा अटैक कर सकता है, इसीलिए अमेरिका की तरफ से वार्निंग जारी की गई थी, और ये बयान आ रहे थे बार बार कि ईरान जो है वो इस तरह की हरकत ना करे या हमला करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। देखिए अमेरिका अचानक अमेरिका के सुर कल से बदले हुए थे इस पूरे मामले में, क्योंकि ये बात साफ हो गई थी कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा और नसरल्ला का बदला भी लिया जाएगा जैसा ईरान कह रहे थे और हनिया का बदला भी लिया जाएगा। देखिए एक बात और है, अगर इसराइल और ईरान, हालांकि इनके पीछे कौन है उस पर भी हम बात करेंगे, वो भी एक बड़ा चर्चा का विषय है, उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अगर ईरान और इसराइल की सैन्य क्षमता देखी जाए तो यहाँ पर भारी इसराइल ही पड़ता दिखाई देता है, ईरान उस तरीके का नहीं है, लेकिन सपोर्ट में रूस और चाइना एक तरफ है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ अगर इसराइल की बात की जाए वो तीन फ्रंट पर पहले से
सामने से खेल रहा है, सामने से वार कर रहा है हिजबुल्ला, हमास, हुती। अब चौथा फ्रंट भी खुल गया है ईरान का। अब ऐसे में किस तरह की चुनौती इजराइल के सामने है? देखिए, अब देखिए, ये वॉर अब तक प्रॉक्सीज वर्सेस इजराइल था, बिल्कुल, लेकिन अब इस वॉर ने इजराइल वर्सेस ईरान का रूप ले लिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू और इजराइल अब पलटवार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें इजराइल का कहना ऐसा है कि जगह भी हम तय करेंगे और वक्त भी हम तय करेंगे। ईरान भी इस बात के लिए तैयार है, ईरान भी इस बात को समझ रहा है, तैयार है कि इजरायली जो फोर्सेस हैं वो उस पर अटैक करेंगी, तो ईरान की भी तैयारी पूरी है। और साथ ही साथ देखिए, ईरान से अकेला नहीं खड़ा है, पीछे से रूस उसको बैक करने के लिए तैयार है, चाइना की तरफ से बैक किया जा रहा है, काफ़ी सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उनके साथ खड़ी हुई हैं, टर्की की तरफ से तो जो है वो यहाँ तक कह दिया गया, उनके जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनकी तरफ से कहा गया कि अब तो जो है वो सैन्य तरीके से जवाब देना चाहिए, ये उनका कल का ही बयान है। उसके बाद देखिए रात को क्या हुआ। तो देखिए, ये अब पूरी दुनिया जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर मिडिल ईस्ट में अब जो है हाथ से बात बाहर निकल चुकी है। अब ये हिजबुल्ला और इजराइल की लड़ाई नहीं है, या हमास या इजराइल की लड़ाई नहीं है, या हुती या इसकी लड़ाई नहीं है, सिर्फ एयर स्ट्राइक की लड़ाई। अब तो जमीन पर खड़े होने की लड़ाई, अब लेबनन के अंदर जो है इजरायली सेना खड़ी हुई है। अब देखिए, आने वाले वक्त में ये लड़ाई जो है क्या किसी बड़े युद्ध का रूप ले रही है, और अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम देखिए, कल रात को हमले के बाद आज शेयर मार्केट पूरी दुनिया के हिले हुए हैं, चाहे वो अमेरिका का शेयर मार्केट हो, चाहे जापान का हो, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट आज गिरने शुरू हो गए। तो ये अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होता है और ये कोई बड़ा वॉर का रूप ले लेता है, और हाथ अगर हालात हाथ से बाहर चले जाते हैं, तो फिर इसके बाद मामला कहां जाके थमेगा कोई नहीं बता। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि बड़े वॉर की बात हो रही है, और अब ये तो बिल्कुल साफ तौर से लग रहा है कि यहां से लड़ाई अब बड़ी ही होने वाली है। पीछे की तरफ तो कोई अपने कदम करने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्योंकि अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए, इस वक्त कच्चे क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है, और अगर वहां से इस तरह की लड़ाई छिड़ती है, खाड़ी देशों में इस तरह की लड़ाई या टेंशन का माहौल रहता है, तो पूरी दुनिया पर इस पर असर पड़ेगा। और पूरी दुनिया पर इस पर क्या असर पड़ेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए।